आपने देखा है कि पिछले कल 2 दिन पहले एक पीपल का पेड़ जो था वो गिर के हवा से गिरा और उसने काफ़ी नुकसान किया। ये तो किस्मत अच्छी थी कि किसी जान माल का खतरा नहीं हुआ, कुछ हुआ नुकसान नहीं हुआ, पर फिर भी जो नुकसान हुआ तो हुआ ही है। पर अब ये जो पेड़ है बरगद का पेड़, ये काफ़ी पुराना है और ये काफ़ी समय से जो है ये जर्जर हालत में था, और ये जो तूफान पड़ा था कुछ दिन पहले तो ये भी जो है वो दीवार, जो होटल की दीवार है उसके साथ सट के लग गया है। तो अगर इससे ज़्यादा तूफान आता है तो उसकी वजह से ये पेड़ जो है ये हो सकता है किसी का नुकसान करे या किसी जान माल का नुकसान करे। तो हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, किसी बड़ी घटना को होने से पहले ही रोका जा सकता है, और हमारा यही गुजारिश है कि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे। है काफ़ी पुराना है और थोड़े दिन पहले जब तूफान आया था तो उसकी वजह से ये पेड़ जो है वो बिल्डिंग के हमारे होटल के साथ सट गया है। और अगर और ज़्यादा तूफान आता है, जैसे ये साइड में एक पीपल का पेड़ गिरा है उसकी वजह से नुकसान हुआ है, तो वो तो थोड़ा चलो नुकसान हुआ वो तो नुकसान ही है। मतलब ये जो गिरेगा ये तो एक तो हमारे होटल को नुकसान देगा और साथ में जो नीचे बिल्डिंग जो दुकानें हैं नीचे उनको भी जान और माल का नुकसान होगा। और मेरा तो प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इसको देखा जाए, मौका देखा जाए और इसको जैसे भी हो यहाँ से हटाने की कोशिश की जाए, जिससे कि सभी की जो प्रॉपर्टी है वो बची रहे। वैसे भी लॉकडाउन चला हुआ है तो वैसे काम कुछ नहीं चल रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर इसकी वजह से और नुकसान होता है तो फिर क्या करेंगे हम। तो मेरा तो यही गुजारिश है प्रशासन से कि इसको देखा जाए और इसका हल निकाला जाए।